ये गई भाई ट्रेनों पे ट्रेन। भाई यहाँ पहुँच गए हम ट्रेन स्टेशन, अभी बज रहे हैं 3:15। 5 बजे बताया था भाई ट्रेन आएगी और मेरे को नहीं पता कितने बजे आएगी, तो मैंने ड्राइवर को कहा कि इससे पूछ के बता दो भाई कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तो देखते हैं भाई क्या इन्फॉर्मेशन आती है। पुलिस वाले सामने ही है मेरे बिल्कुल ही, और देखो वो वहाँ पे गए हैं अभी अंदर उसमें से। ये ऐसा कुछ ट्रेन स्टेशन दिखता है भाई। ठीक है, अब होने वाली है एक एपिक जर्नी शुरू। 5 बजे के बाद तो बहुत ठंड हो जाती है, तभी मैं क्या करूँगा वो जो ख़रीदा है मैं वो पहन लूँगा। रात को अगर और भी ज़्यादा ठंड लगी तो भाई फिर उसको उतार के फिर एक शर्ट और पहन लेंगे नीचे, और फिर उसको पहन लेंगे, देख ही जाएगी यार। अब तो ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं ज़्यादा ठंड होनी चाहिए, पर भाई कल के हिसाब से रूम पे सो के इतनी ठंड हो गई थी। तो वैसे यहाँ पे ही पानी बेचने वाले मिल जाएंगे, उनको पता है पानी सब लेके जाएंगे, पर मैं अपनी 4 बोतल पहले ही लेके आ गया। एक आइस टी भी, एक मेलन मिल्क भी, एक लेस का पैकेट, एक स्नीकर्स, और बैग में बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट, फिर आपका केक है, केक मतलब वो जो आते हैं समझ गए, ब्रेड टाइप जो केक होते हैं, फिर उसके अंदर चने भी हैं। तो चल जाएगा अपना काम मेरे हिसाब से। पूरी तैयारी के साथ आए हैं, सक्सेसफुली जुआरे तक पहुँचेंगे हम। अभी थोड़ी कंफ्यूजन क्या हो गई, ये कह रहे हैं कि ट्रेन की टिकट भी मिलती है जो कि है 300 की। ठीक है, तो मैंने कहा यार उस डब्बे में बैठने के लिए कौन टिकट देगा भाई। तो मैंने उनको बॉल्ड एंड बैंकक्रप्ट की वीडियो का थंबनेल दिखाया कि भाई मेरे को ऐसे ट्रैवल करना है जैसे ये बंदा कर रहा है ट्रैवल, क्योंकि यहाँ नेट तो बहुत स्लो चल रहा है, 2G चल रहा है, तो मतलब वही वीडियो का थंबनेल ही बहुत देर में लोड हुआ। तो मैंने कहा ऐसे करना है मेरे को ट्रैवल, फिर ये कहते हैं ओके ठीक है देखते हैं। तो भाई अभी बज गए हैं लगभग 3:30, तो पहले ही कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कुछ टिकट विकट नहीं खरीदनी है, क्योंकि भाई फालतू के 600 रुपये लग जाएंगे, जाना अपने को वैसे ही है। यू विल ट्राइड योर सेल्फ सो मच, नो प्रॉब्लम इट्स ओके। तो भाई ये कह रहे हैं कि आप थक जाओगे बहुत, मैंने कहा भाई कोई नहीं, 2 दिन अपना थक जाएंगे, 4 दिन अपना रेस्ट भी कर लेंगे, आगे हमको कौन सा काम धंधा है, हमको तो ये वीडियो ही बनानी है। तो अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी ऐसा ये जो ऊपर पहनना है ये भी मैं पहन लेता हूँ अभी, और फिर वो ड्रेस भी पहन लेते हैं। और अभी ये इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं भाई। चलो चलो, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग, मेरे को नहीं लगता मॉरिटेनिया में इतने अमीर लोग हैं कि पैसे दे के ट्रैवल करेंगे, सब लोग अपना सामान ये फ्री के कार्ड में ही लोड करेंगे। फालतू में टिकट मैं तो ले ले रहा भाई, अभी यहाँ पे 100 रुपया तो दुख किसी पुलिस वाले को दूंगा, वो मान जाएगा यहाँ पे मेरे को लग रहा है। अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, ये रहा पटरी भाई, दिख रही है यहाँ पे सब लोग अपना अपना सामान वामान सब लेके आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं भाई यहाँ पे, पूरे कार की कार भर के। ये अपना ड्रेस है भाई, ये सिर पे पहनने का, ये नीचे पहनने का। अब एक चिप्स लेके आ गया, चिप्स बहुत महंगे यार, 80 रुपये का पैकेट है, पता नहीं कैसे है, तो लूटा नहीं, सच में 80 रुपये का है भाई, यहाँ पे महंगे हैं ये काफ़ी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बैठे बैठे भी गाड़ी में टाइम पास करेंगे तो क्या ही, खा ही लेंगे चिप्स। तो अभी चिप्स खा के बस ये पहनता हूँ मैं, और टाइम कितना हो गया, टाइम बताना बहुत ज़रूरी है, 3:38 हुए हैं अभी, तो मेरे हिसाब से भी टाइम लगे, बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई, देखो यहाँ से पता भी चल रही होगी। तो अभी 1 घंटा वेट करते हैं, गर्मी नहीं है एक बात है, सूरज कितना ही चमक जाए, रेगिस्तान ही कितना बड़ा हो, पर गर्मी नहीं है यहाँ पे, बस ये सुख है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं भाई, वो कह रहा कि भाई बहुत परेशान हो जाओगे, मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, देखी जाएगी यार। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आ गई है भाई, सारे ट्रेन का ही वेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आलू लेके आ गए अपनी पेप्सी वहाँ जाके बेचेंगे शायद, ये सब कुछ ट्रेन में लोड करके लेके जाएंगे भाई लोग। कहाँ घंटा टिकट खरीदी इन लोगों ने, कुछ नहीं टिकट खरीदी होगी भाई, और टिकट खरीदेंगे पैसेंजर कार में थोड़ा इतना लोड कर देंगे यार, ये कार्गो में सब कुछ जाएगा ये। तो भाई बांधना सिखा रहे हैं, बांध ही दे
काफी सारी लेयर्स हैं यार इसमें। दो मिनट बांध दिए भाई भाई ने तो। भाई ये तो ट्रेन आ गई, निकल ना जाए फटाफट बांध दे भाई। ओके ओके ओके, ये पहुंचने पहुंचने के लिए है। ओके चलो भाई चश्मा भी लगा लिया जाए। ओके ये तो गई, मैं वापस आएगी कहता हूँ, वापस आएगी, देखते हैं भाई वापस आती है नहीं आती। तो इस पार्ट में मैं समझा रहा हूँ कि भाई देखो ये लोग कितना सारा सामान लेके आए हैं यहाँ पे, सिलेंडर गैस के, तरबूज और पता नहीं क्या क्या चीज़, पूरे मछली के डब्बे रखे हुए हैं सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहे हैं, इसमें सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ से पोर्ट सिटी अनवादीपुर, तो यहाँ से लेके जाएंगे मछलियों को और ज़ुआरेत में बेचेंगे। तो ये ट्रेन काफ़ी देर रुकती है कि लोग इतना सारा सामान लोड करते हैं, लोकल्स आते हैं यहाँ पे लोड करवाते हैं और फिर जो बंदा एक दो बंदा लेके चले जाता है, और फिर जब वहाँ पे ट्रेन पहुँचती है तो वहाँ पे दो चार बंदे खड़े होते हैं उतरवाने के लिए सामान को। और इस तरफ मैं बता रहा हूँ, इस तरफ है नुआदीबू का शहर और उस तरफ जाएगी ट्रेन ज़ुआरेत की तरफ। तो अब बताता हूँ भाई मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था भाई देखो इतनी बड़ी पोशाक है भाई, मतलब पूरा ही, और यहाँ पे ओस जम गई थोड़ी उस पर, तो भाई मतलब अगर हवा बहुत तेज़ हो ना तो आपको पीछे भी खींच लेता है, ये बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा। किसी दिन उतर के मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसके अंदर ओस जम गई, साफ़ कर लूँ पहले। पर यार ये बहुत सही है पता है, एक तो रात को सोने के लिए बड़ा कम्फर्टेबल रहेगा, चद्दर वद्दर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना यही काम चलाएगा सारा, और ऊपर से अपने कपड़े इतने ख़राब नहीं होएंगे, है ना। खैर धोने तो पड़ेंगे ही, और यहाँ पे एक जेब भी है, इसमें पावर बैंक, फ़ोन, ये सब रख सकते हैं ऐसे, ये तार हो गई है ना, तो इस काफ़ी बड़ी जेब है। और भाई अब बस मेरे को चिंता है अपने बैग की और पानी की बोतल जो ऊपर ट्रांसपोर्ट करनी है, वो बहुत आराम से हो जाएगी। अब लग रहा हूँ मैं पूरा मोरिटानियन। तो बस अभी होने टाइम कितना हो गया, 4:22, तो किसी भी क्षण ट्रेन प्रकट हो सकती है यहाँ पे। और यार चश्मे भी बड़ा मतलब जम रहा है, क्योंकि बाहर नहीं जमेगा क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, अंदर थोड़ी गर्मी हो गई है तो इसलिए जम रहा है। मैं देखो भाई गाड़ी में बैठा था और ये इतनी रेत जमा हो गई बस शीशे से आके, तो कपड़ा कुछ ऐसा है कि जो मतलब रेत चिपकती नहीं है इस पर, इसको झाड़ दोगे तो रेत पूरी झड़ जाएगी, तो इतनी रेत भाई जमा हो चुकी है, थोड़ी बहुत यहाँ पे, इतनी सारी यहाँ पे। तो ये कह रहा था मैं, देखो यहाँ पे दिख रही होगी शायद,
5 बज गए भाई और ट्रेन आ चुकी है बिल्कुल टाइम पे। हम अपने लगा लेंगे अब चश्मे, सुपरमैन बन जाएंगे। ये हो गया भाई मैं रेडी, और ट्रेन है बहुत लंबी है, ऐसे कोई भागने जल्दी वाली बात नहीं है। जब भाई इतने तरबूज लोड कर सकते हैं, इतनी मछलियां लोड कर सकते हैं, तो हमको तो एक बैग ही लोड करना है। ये गई भाई ट्रेन, ओ बैठे ट्रेन गई। ये तो वाली थी नहीं, तो मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है भाई, निकल ना गई हो। पर ये इतने लोग खड़े हैं भाई, ये पागल तो नहीं है, ये बंदा भी पागल नहीं है। तो अभी कुछ गूगल ट्रांसलेट पे ट्रांसलेट करके बताया भाई, 2 सेकंड मैंने बाहर ब्लॉगिंग करी, मुंह में कचर कचर वाली मिट्टी नहीं होती, लगाने के बाद भी भाई कुछ फ़ायदा सा नहीं लग रहा यार। मास्क भी लगा लूँगा अगर ट्रेन, मतलब मेरे बैग में मास्क भी पड़ा है कोरोना वाला, वो भी लगा लेंगे फिर ये लपेट लेंगे। ठीक है, ईयरफोन मैंने यहाँ डाल लिए अपने, अगर मन करेगा सुनने का तो कर लूँगा। इस जेब में पावर बैंक, फ़ोन और फिर रखूँगा, और एक GoPro। सही है, जेब भी सही है भाई, काफ़ी हैंडी होएगी ये जेब भी रात को। कुछ लिखा है भाई, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। दिस इज़ ए ट्रेन स्टेशन फॉर पीपल। ओके, तो कुछ नहीं, सार ये है कि दूसरी ट्रेन आएगी। मेरे को थोड़ा मतलब जैसे हिंदी में टाइप करोगे ना तो इंग्लिश में कुछ और निकल के आता है, वैसे ही थोड़ा अरेबिक में होता होगा यार, तो कभी कभार थोड़ा कम समझ में आता है। टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, ट्रेन अभी तक आई नहीं है, और देखो भाई मैं पूरा रेत में हो चुका हूँ। पर कोई दिक्कत नहीं है, इसको खोल के बैठा हूँ ना शीशे को, तो बहुत सही हवा चल रही है, मस्त ठंडी ठंडी, पूरे दिन ऐसी चलती है यहाँ पे, पता नहीं क्या सिस्टम है, ठंडी कैसे चल रही है यार रेगिस्तान में, हवा समझ से में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, वेट ही कर रहे हैं यार, अभी भी मतलब सारे लोग वेट कर रहे हैं बाहर भी, यहाँ पे अपना सामान वामान रख के, तो हम भी वेट कर रहे हैं। अभी हो चुके हैं 5:50 हो गए थे अभी 2-4 मिनट पहले, तो लगभग 6 बजे मान लो आप, 6 बज चुके हैं। आएगी तो पता चल जाएगा आपको। तो अभी थोड़ी अपडेट, अभी ये जो है ये ट्रेन स्टेशन है भाई इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पे अभी मेरे जो दोस्त हैं जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ये अपडेट लेने गए, तो बताया कि 7 बजे आएगी ट्रेन, तो अभी बज रहे शायद 6:15, तो 45 मिनट और वेट करते हैं भाई। भाई पता नहीं पावर बैंक में मैं कौन सा ले आया घर से, गलती ख़त्म ही हो गया भाई, वो फ़ोन 80% चार्ज हुआ और पावर बैंक पूरा ख़त्म हो गया, तो मतलब वहाँ तक जाने तक मेरे पास 80% फ़ोन की बैटरी है बस। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है स्विच ऑफ मत करो, स्विच ऑफ से इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप उसको एरोप्लेन मोड पे डाल के बैटरी सेवर मोड पे डाल दो। मैं तो यही करूँगा कि बीच बीच में टाइम तो देखने का पड़ेगा ही, ज़रूरत रात को। ये कोई ट्रेन आई है पर ये अभी भी नहीं लग रही, हमारी वाली नहीं। यहाँ पे हो गया था रमादान का समय, तो जो मेरे ड्राइवर था वो बेचारा वो परेशान हो गया भाई, 5 बजे की ट्रेन थी, 7 बज गए, 7:15 हो गए, तो मैंने कहा भाई तू चला जा, तेरे को खाना वाना खाना होगा। तो उसने क्या करा, जो लोकल्स खड़े थे ना यहाँ पे उनसे काफ़ी लोगों से बात करी भाई, ज्वारेत तक कौन जा रहा है, ज्वारेत तक कौन जा रहा है, तो एक ही बंदा ज्वारेत जा रहा था अपनी बकरियों को लेकर, तो इसमें उसने बताया कि ये बंदा ज्वारेत जा रहा है, इसके साथ जाना और इसी के साथ उतर जाना, और ये आपको सेफ रखेगा, मतलब सेफ तो खैर क्या रखेगा, ये कौन सा बॉडीगार्ड तो था नहीं, पर मतलब एक लोकल से दोस्ती करवा दी कि हाँ भाई ये आपको सेफली ज्वारे तक पहुंचा देगा। और फिर ये जो लोकल लोग मेरे से कह रहे थे भाई ये जो तुमने टेंट पहन लिया है ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, आपको रात को इतनी तेज़ हवा चलेगी ये उड़ेगा, और वो लोग सही कह रहे थे भाई, अपनी जैकेट और पैंट लेके आना, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए।
तो भाई ट्रेन रुक गई है, घुमा ना का है बंदों ने चढ़ना। अच्छा ओके ओके। और भाई ये बकरियां आ गई हमारे घाट में, कल सुबह दिखाऊंगा भाई माहौल। ये मेरा ऊपर जो बांधा था कपड़ा ये तो निकल गया है हमारे, सुनाई दे रही है बहन। सारी बकरियां यहीं आएंगी अब, और हाथ देखो दिख ही नहीं रहे होंगे यार सारी बकरियां। भाई ये मेरे कार्ट में तो बकरियां आ गई हैं कोई बात नहीं, इनके साथ सफर करेंगे अब रात को। ट्रांसपोर्ट चल रहा है भाई, सारे फ्रूट्स लोड करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली ट्रेन आ गई थी, और भाई रात हो गई थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था गोप्रो में, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरे फ़ोन में थोड़ा बहुत दिख रहा था, जब आप देख रहे हो 7:30 का समय हो चुका है, सूरज ढल चुका है, थोड़ी थोड़ी रोशनी बची थी। और ये मेरी कार्ट में भाई बकरियाँ आ गई थी, बकरियों को तरबूज वाले कार्ट से दूर रखा था, वरना रात को सारी बकरियाँ तरबूज खा जाती, तो इनको अलग से रखा था 6-7 बकरियों को। और बकरियों का मालिक और मैं था इस मतलब इस वाले डिब्बे में। तो अभी पता नहीं कितने बज रहे हैं भाई सुबह के, अभी यहाँ रुके हैं। और भाई मैं जो हालत हुई है ना रात को, वो मैं उतर के बताऊँगा यार, अभी बिल्कुल नहीं बता सकता। ठीक है, जो जो हुआ है इन बकरियों ने भी कांड किया पूरा, ये अपने पैसेंजर सुबह। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं अपने डिब्बे के बारे में। सुबह हो चुकी है, तो मेरे डिब्बे में आप जैसे देख रहे हो 6-7 बकरियाँ थी, तो इन्होंने बड़ा परेशान किया भाई रात को। ये क्या करती है, जो भाई मैंने सिर पे सफ़ेद कपड़ा पहन रखा है, पहले तो हवा से उड़ रहा मेरे को लग रहा, पर नहीं भाई बकरियाँ इसको अपने मुँह में लेके, एक बकरी आती मुँह में लेती और पीछे खींचने की कोशिश करती, क्योंकि भाई ये बकरियाँ काफ़ी भूखी थी पूरे टाइम से, तो जो इनको जो भी मिल रहा था वो खाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने क्या किया भाई, जो इन बकरियों का मालिक सो रहा था वो मेरे लेफ्ट साइड में सो रहा था, फिर मैं उस मालिक के उस साइड जाके सो गया ताकि ये बकरियाँ पार ना कर पाए। फिर पूरी रात परेशान नहीं किया, फिर पूरी रात बस ठंड ने परेशान किया मेरे को। और मैं इस गत्ते पे सोया था जो आप वीडियो में देख सकते हो, इस गत्ते को बिछा के, और ये जो अपना तंबू लेके आ गया था मैं इसको बिछा के सोया था मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई बकरियाँ इतना भूखी हो गई थी कि इनके मालिक ने इनको गत्ता खिलाना शुरू कर दिया था जिस पे हम सो रहे थे। देखो भाई ये कोई जगह है, ये यहाँ पे लोग अपना सारे तरबूज वरबूज उतार रहे हैं, पूरा माइंस। देखो गाड़ियाँ आ गई यहाँ पे, सारा लोड करके लेके जाएंगे ये, पर हमको शायद यहाँ नहीं उतरना। तो यहाँ उतरना है भाई, yeah।
ट्रेन में।